वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर ये 5 है। 5 क्या कर रहा है, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है, हम लोग जबरदस्त तरीका से देखेंगे। याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन भारी नहीं होता है, आपको अपने ऊपर समय देना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आप जितना अपने आप के ऊपर समय देंगे, लोग आपसे, एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग आपसे आपका समय मांगेंगे। याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा। देखिए, अपने ऊपर समय दीजिए, यानी अपने ऊपर स्टडी पर फोकस कीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है यहाँ पे, एक बेचारी लड़की है सैफाली, बहुत दुख की बात है, देखो क्या इसके साथ होता है। सैफाली में एग्जाम दी है मैथ का और इंग्लिश का, मतलब मैथमेटिक्स और इंग्लिश का एग्जाम दिए, आई दोनों मिला करके कितना नंबर इसको मिला है, 30 नंबर मिला है। पढ़ने लिखने में थोड़ा सा अच्छी है, इसीलिए मैथ और इंग्लिश दोनों में कितना मार्क्स मिला है, 30 नंबर। ठीक है, अब बताइए कि मैथ में कितना मिला है, इंग्लिश में कितना, ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दोनों मिला के कितना मार्क्स है, 30 नंबर। अगर मान लीजिए मैथ का मार्क्स अगर 10 हो जाए, तो बताइए इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा इसमें से, तो ये 20 मार्क्स हो जाएगा। वही बात है कि यहाँ पे अगर बोले कि मैथ का मार्क्स नहीं पता है और इंग्लिश का मार्क्स निकालना हो, तो 30 में से मैथ वाला को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। यहाँ समझने की कोशिश की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ना इंग्लिश में नंबर पता है कितना नंबर लाई है, और ना पता है आपको मैथ में कितना नंबर लाई है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि गणित में प्राप्त अंक x, जब गणित में x नंबर मिला है और दोनों मिला के नंबरवा कितना है, 30 नंबर है, तो का इंग्लिश में कितना हो जाएगा, यहां पे अंग्रेजी में, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे हो गया, अभी बताए थे, मान लीजिए कि यहां पे अभी कुछ नहीं पता था मैथ में कितना है, तो यहाँ पे क्या माने हैं, एक्स। अगर मान लीजिए कि हम बोलते कि मैथ में 10 नंबर है, तो आप बताइए कि इंग्लिश में कितना होता, आप 30 में से 10 को घटाते कि नहीं, तो हम माने हैं 10 तब ना 10 घटाएं, अब एक्स माने हैं तो एक से ना घटाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर उस मैथ में, यहाँ 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर कह रहा है मैथवा में 2 नंबर बढ़ा दें, मैथ का एक्स है ना, इसमें 2 नंबर बढ़ा दें और इंग्लिश में 3 नंबर घटा दें, कितना घटा दें, इंग्लिश में से 3 नंबर, इंग्लिश वाला ये है, इसमें से कितना नंबर घटा देना है, 3 नंबर, और फिर जो बचेगा उसका गुणा करें, उसका क्या करें, प्रोडक्ट करें, तो कितना नंबर होना चाहिए, 210 नंबर बचता है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथ में 2 नंबर बढ़ा दीजिए, इंग्लिश में 3 नंबर घटा दीजिए, और फिर दोनों को गुणा कीजिए, यानी गुणनफल कीजिए, तो 210 नंबर। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है प्रश्न से, और उसके बाद लिखो एक्स प्लस 2 और इससे का गुणनफल कितना हो जाएगा, 30x माइनस एक्स माइनस 3 है, बराबर में हो जाएगा 210। यही चीज लिख दिए, मैथ में 2 नंबर जोड़ दिए और इंग्लिश में से 3 नंबर घटा दिए, फिर दोनों को क्या कर दिए हम, गुणा कर दिए, तो कितना है, 210। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एक्स प्लस 2 और यहाँ पे है गुणा लिख देते हैं, 30 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब गुणा कीजिए, एक्स में दोनों से गुणा कीजिए, एक्स में 27 है, एक्स में एक्स है। चलिए एक काम करते हैं, 27 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 25x, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 54 बराबर 210। इधर लेके चलते हैं, तो जब इधर लेके चलते हैं तो इधर पूरा क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, इधर से हट जाएगा तो बराबर के इस साइड वाला 0 होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, सजा के लिख रहे हैं हम। ठीक है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस 25x और ये प्लस में है तो माइनस 54 और प्लस में 210। हम इधर भेजे हैं इसीलिए इसको नहीं बदले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 210 में से 54 जाएगा, घटा के देख लीजिए कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये बचेगा 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और ये बचेगा आपका 1, 156 बचा, कितना बचा, 156। ठीक है, अब ये तो बन गया, बन गया क्वेश्चन तो बन गया, इसका क्या कर देना है, सिर्फ समीकरण यानी फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दीजिए, या फिर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा के तोड़िए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 156, वही बात है, बीच वाला को तोड़ते हैं, आई दोनों जो टूटा रहेगा इसको गुणा करने पर आ जाना चाहिए कितना,
156 जोड़ने पर आ जाना चाहिए कितना 25। तोड़ के देख लीजिए ना, 156 को ही तोड़िए, 2 से तोड़िएगा 2 सत 14, 2 8 16, 2 से तोड़िएगा 2 तियाई 6, 2 नवा 18, 3 से तोड़िएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 13 से तोड़िएगा 1। अब देखिए ना, दो हिस्सा इसी को तो बांटना है, इसको एक साथ कर दीजिए, 2 2 4 4 तियाई 12, आ एगो 13 अलग रखिए, 12 और 13 हम लिए हैं, 12 और 13, 12 13 कितना हो जाता है 25, अब 12 में 13 से गुणा कीजिएगा तो 156 आ जाएगा। यानी कि जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 13 एक्स करेंगे 156 बराबर में 0। ये 0 हम इधर नहीं लिख रहे हैं, अब उस साइड लिख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये देखिए 12 और 13 25 और 12 में 13 से गुणा होगा तो 156 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो जब एक्स निकल जाएगा तो यहाँ एक एक्स बचेगा, इसमें से एक्स निकल जाएगा तो 12 बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन निकालिए माइनस में, तो ये बचेगा एक्स और ये बचेगा आपका। जब माइनस कॉमन होता है ना तो जो प्लस होता है वो भी माइनस होता है। माइनस के बारे में बहुत पहले बता चुके हैं, माइनस एक पनौती नंबर है, मतलब मनहूस समझ लो, जहां लग जाएगा सब बदलना शुरू हो जाएगा, उल्टा पुल्टा होने लगता है। जैसे माइनस भी कॉमन हुआ तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12 बराबर में 0। और फर्स्ट इंटू लास्ट का रूल है कि दोनों अगर बराबर है तो सही है। एगो बाहर वाला लिखिए एक्स माइनस 13 और एगो अंदर वाला, दोनों में से कौन एगो लिखिए। x का मान निकालना है क्योंकि आपको बताना है कि कितना कितना नंबर उन लोगों को मिला है। भाई मैथ में कितना नंबर, बेचारी जो सैफाली है कितना मेहनत करके दोनों में मिला करके और 30 नंबर लाई है, तो मैथ में कितना लाई है और आपका इंग्लिश में कितना लाई है वो देखना है। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 13, आई हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर ये एक बार लिए हैं एक बार ये ले रहे हैं प्लस में 12। सुनिए अब यहाँ इतना ध्यान दीजिए, हम क्या माने हैं गणित में कितना माने हैं एक्स, यानी गणित का अंक 13 रहेगा तो दोनों मिला के कितना है, यहाँ समझिएगा एक्स और वाई, मतलब कि इंग्लिश मैथ और इंग्लिश दोनों में नंबर मिला के आया कितना है, तो यहाँ देख लीजिए गणित में प्राप्त अंक अगर 13 ले रहा है, एक्स का मान 13 है ना, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 30 माइनस 13, घटाइएगा तो 30 में से जब 13 घटाइएगा तो ये 10 में से 7 जाएगा, 3 जाएगा 7 और ये बचेगा 2 में से 1 जाएगा, 17 नंबर होगा। कितना नंबर होगा 17। अगर मैथ में लड़की का 13 आता है तो बेचारी का इंग्लिश में 17 आएगा, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन हो, ये एक्स एक बार 12 भी आया है, अगर गणित में कितना आ जाए, गणित में प्राप्त अंक अगर 12 आ जाए तो बताइए इंग्लिश में कितना आएगा, इंग्लिश ई लिख देते हैं, इंग्लिश में कितना आएगा 30 माइनस 12, 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18। तो अगर ये उसका किस में, अगर इसका मैथ में 12 आता है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 18। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। बेचारी सैफाली का याद रखिए, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको 17 और 12 15 ये सब नहीं लाना है, आपको लाना है 95 के ऊपर, तो मन लगा के पढ़िए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।